हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री में डॉक्टर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स मेनली जो आपको पढ़ना है वो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो चलिए ये यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आई होप आप इसका जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे बीएससी का, तो बीएससी का जब एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना रहा होगा। ओके, तो वहां पर भी आप पढ़ कर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वहां पर जितने चीजें आप लोग जानते हैं तो उससे अब काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन सबको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वहां पे था आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो वहां पे न्यूमेरिकल वगैरह ये सब सॉल्व करना था। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, होता क्या उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बारे में क्या क्या आप जानते हैं वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ज्यादा लेक्चर नहीं है, 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर, ये पूरा यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग का बहुत बड़े बड़े यूनिट थे उसका ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। जैसे यूनिट आपका 4 है, तो यूनिट 4 का जो मैं लास्ट लेक्चर वो मैं मतलब अपलोड वहां पे हो चुका है, आप जाइए उसको देख लीजिए। और पूरा आपका यूनिट 4, यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 6 चल ही रहा है, और यूनिट 1st 2nd भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 3rd बचा है, और लास्ट के 2 यूनिट्स है 7 और 8। ठीक, तो हम लोग 3rd यूनिट पे पहुंच चुके हैं। अब इसका रीजन है बच्चों, 3rd यूनिट को मैं बाद में पढ़ा रही हूँ, उसका ये रीजन है कि स्टार्टिंग का जो आप यूनिट 1st और 2nd को देखेंगे तो वो भी आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो आपकी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक है, तो जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो एस ब्लॉक के हो, पी ब्लॉक के हो, डी ब्लॉक के हो, एफ ब्लॉक के हो। जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो आपका कार्बन के बारे में सिर्फ पढ़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसके बारे में, कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में जिसमें पढ़ते वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल स्टेट यानी कुछ चीजें फिजिक्स के उठाकर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक, तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके यूनिट 1st 2nd 3rd को मिलाकर है, तो इनऑर्गेनिक का पार्ट अगर देखा जाए तो 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट आपका यूनिट है इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का 4, 5 और 6 है, और फिजिकल का बोल सकते हैं तो 7, 8 है। ठीक है, कब वो ये बात तो समझ में आ गया। चलो, ऑर्गेनिक हम लोग ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, 4, 5 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसको जाइए अच्छे से देख कर नोट्स बनाकर रिवीजन कर लीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री होता है बिल्कुल मैथ की तरह, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन का, तो आपके दिमाग से भूलता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 और 8 फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है, उसको तो हम लोग 2 मिनट में खत्म कर लेंगे, ज्यादा 2 मिनट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें लेक्चर अटेंड नहीं होंगे। जो आपका मेन मेन टॉपिक है जो मैं आपको पहले पढ़ाई हूँ वो समझ लो, आपका पूरे केमिस्ट्री का, फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का 60-80% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। ये आपके 20% है, तो 20% में बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स है, बहुत बेसिक वाला है, इसको भी पढ़ना है आपको। अब ऐसा नहीं कि इजी मैं बोल रही हूँ तो क्या उसको छोड़ ही दे कि चलिए मैम कोई बात नहीं, 8 यूनिट है, 2-3 यूनिट छोड़ ही दे तो क्या होगा, नहीं, आपको हर यूनिट पढ़ना है, उसमें 1-2 टॉपिक अगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यूनिट जरूर पढ़ के जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 यूनिट से क्वेश्चन देगा दूसरे से नहीं देगा, सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलो इतनी तो बातें हो गई। और मैं आपको जो हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि आप पढ़िए, वीडियो को बस ऐसे देखते मत रहिए, नोट्स बनाइए साथ में, जो नोट्स नहीं बनाएगा डेफिनेटली उसको एग्जाम में नहीं आने वाला है। हो सकता है कि बहुत से बहुत ज्यादा तेज बच्चा हो, उसे सब कुछ याद हो, अच्छी बात है वो कर लेगा, पर जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे उसको रिवाइज नहीं करेंगे चीजें आपको याद नहीं होंगी। एकदम मैं आपको एक्यूरेट बात बता रही हूँ, आपको ऐसे बहकाने वाला बात नहीं कि ठीक है मेरा पढ़ लो कुछ भी हो जाएगा पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ो, नोट्स बनाओ और उसको बार बार वो क्या करो, रिवाइज करो। चलो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, इसमें आपका जो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, पर उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता क्या है। अभी आपको कॉपी नोट्स वो निकाल के बैठ जाइए, आसपास के डिस्टर्बेंस से दूर रहिए, अभी आपको सिर्फ एक लेक्चर पढ़ना है, तो बिल्कुल आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ये नहीं कि कुछ खा भी रहे, पढ़ भी रहे, सॉन्ग भी सुन रहे, कोई बीच में आके आपके रूम में आ भी जा रहा, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो रहता है, लेक्चर रहता है, उसको देख लो, उसके बाद जो काम करना है करो, फिर उसके बाद ब्रेक लो। आप ये बोल रहे होंगे कि मैम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है। एक लेक्चर के बाद 2-3, 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना। ठीक, उस 10 मिनट के ब्रेक में जो करना है करो,
ये नहीं कि उसके बीच में करें कि बीच में मम्मी खाना लेकर आ गई लो खा लो, तो ऐसा नहीं। खाना खा कर बैठो या इसके बाद खाओ, बीच में डिस्टर्बेंस मत करना, ठीक है। अभी मैं जो भी आपको बताऊंगी सिर्फ समझो, उसको लिखना मत। जब भी मैं आपको बताऊंगी कि यहां से नोट करना स्टार्ट करो, वहां से नोट करना। तो पहले क्या हुआ ना, प्रॉपर्टीज, अच्छा नहीं लिखा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता क्या है, जब आज से बहुत साल पहले, ठीक, आज से बहुत साल पहले, आफ्टर लॉन्ग टाइम एगो, तो उसमें क्या हुआ था ना, जब एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, नए नए एलिमेंट्स, जैसे कार्बन की खोज हुई, उसकी डिस्कवरी जब हो रही थी, तो एलिमेंट्स को रखने का एक सुटेबल नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये कभी सोचते, स्कूल का निर्माण किसने किया होगा? हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग के अलग अलग सेक्शन होते हैं, 11th का B1 अलग, 12th का B1 अलग, इसका C1, इसका M1, ऐसा करके क्लास होता है ना, किसी का 12th के 3-4 सेक्शन होते हैं, 11th का 2 सेक्शन होता है, तो ये सब कोई अरेंज तो किया ही होगा। तो जब एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन सब एलिमेंट को रखे कहां, तो इसके लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, अब आ जाते हैं इस पे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक ये ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक। आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा कि काम करते हैं ना, एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है उन सारे एलिमेंट्स को उस टेबल के अंदर फिट कर देंगे, रखेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, आपको पढ़ना, लेकिन आपको ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, पहले थी, मतलब 11th 12th में तो आप पढ़ कर आए, पर इसके बाद सिलेबस में नहीं। सिलेबस में आयनाइजेशन एनर्जी से स्टार्ट है, पर फिर भी हमें बेसिक पार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा, सबसे पहले डोबिनाइडर आए, फिर न्यूलैंड का स्टक नियम आया, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम आया, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, मेंडेलीफ आया, तो मेंडेलीफ तो सबसे मॉडर्न थ्योरी दिए थे। तो वो सारे साइंटिस्ट आके अपने एक एक एक्सपेरिमेंट किए, डिस्कवरी किए, और सोच रहे थे इस पीरियोडिक टेबल में फिट करें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये सारी चीजें तो आप जानती, वो आपको चीजें जाननी भी नहीं है। तो एलिमेंट्स की जब खोज हो रही थी, एलिमेंट्स को इस तरीके से सुटेबल अरेंजमेंट करके इस पूरे टेबल में फिट करना, ये होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स को फिट कर दिए, ठीक। अब वहां पे बात ये आया, हम लोग उसको कर ही क्यों रहे हैं, उस एलिमेंट्स को यहाँ पे फिट इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम लोग के आने वाले जनरेशन इसके बारे में स्टडी कर सके। क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में रिसर्च अगर मान लो किसी को करना हो, तो कार्बन से मैं बना दूं, मैं कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, बहुत ज्यादा, अभी तक तो हजारों कंपाउंड्स तो बनी चुके हैं। आप एक काम करो, जब आप बड़े होंगे, बड़े तो हो ही गए, जब आप रिसर्च करेंगे केमिस्ट्री में, तो हो सकता है आप कोई नया कंपाउंड बनाओ, पॉसिबल है ना, आप कोई वो जो भी नया कंपाउंड बनाएंगे तो उसके बारे में डिस्कवरी होगी या स्टडी होगी, ये सारी चीजें। तो आपके आने वाले जनरेशन उस चीज को कैसे स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल आपका बना हुआ है, अब कोई न्यू बच्चा है, वो एडमिशन करा है, वो 8th क्लास का है, तो वो कहाँ जाएगा, 8th क्लास मतलब एडमिशन कराएगा तो 8th क्लास में ही बैठेगा ना, ऐसा नहीं कि वो 10th क्लास में 12th क्लास में बैठ जाएगा। तो उसके लिए सुटेबल, मतलब अगर उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो एक्स्ट्रा 2-3 स्टूडेंट्स के लिए जगह खाली रखा गया होगा, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट का अगर मान लो एडमिशन हुआ तो वो लोग आके बैठ सकते हैं। तो इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरीके से बनाया गया, जिसको सबसे मॉडर्न थ्योरी कहा गया, मेंडेलीफ थे, तो मेंडेलीफ ने कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया, जहां पे अलग अलग और एलिमेंट्स को रख दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जिनका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो एस ब्लॉक में जा रहा था, इस वजह से उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया। फॉर एग्जाम्पल Na, सोडियम, इसका 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लास्ट शेल है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम लास्ट सेल कैसे है, एक बात बताए, ये देखो ये जो आपका न्यूमेरिकल चीजें बता रहा है 1 2 3, ये शेल बता रहा है। शेल का मतलब समझ जाओ, आप कहाँ रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप ये बताएंगे ना कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहाँ हो, तुम बोलोगे घर है, आप तो यही बोलते घर है। अब घर में ये नहीं बताएंगे घर में हम तीसरे वाले कमरे के अंदर है, ऐसा तो नहीं बताते। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, किस ऑर्बिट में पाया जाता है, वो आपका ये बताता है 1 2। ओ पहले जैसे फ्लोर समझ लो, ऐसा समझ लो कि आप एक पूरी बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में आप किस फ्लोर पे हैं, तो आप बताएंगे ये। तो मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का एक एटम है उसके पास 3 फ्लोर है, 1 2 3 4, ठीक है।
पहले वाले फ्लोर में दो रूम्स हैं, दूसरे वाले फ्लोर में दो, मतलब इसमें भी क्या दो रूम्स है, या इसको ऐसे समझ लो, इसको आप समझ लो रूम एस ब्लॉक। और जो आपको पता है एस ब्लॉक में एक बॉक्स होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ब्लॉक में 3, डी ब्लॉक में 5, एफ ब्लॉक में 7, ठीक। तो जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि हम कमरे में, पहले आप बोलेंगे घर में है ना, तो आपका दोस्त या कुछ भी फोन कर तो आपसे पूछेगा कौन से वाले रूम में हो, तो आप बताएंगे अच्छा 3 का ए, बी का ए, जो भी आप रूम में रहते हैं। तो किस लेकर, हम लोग के तो रूम का नाम नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग फ्लैट में नहीं रहते, कहीं कहीं जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो रूम नंबर उस पर लिखा होता है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई बोले, एटम की बात करते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे वो एक ऑर्बिट में होगा। तो ऑर्बिट आपके पास कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाले ऑर्बिट में होगा, ठीक। तो आपका जो एस और पी और डी ब्लॉक है, ये उसके रूम्स है, इलेक्ट्रॉन के रूम्स है, कि एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में। और जो उसका कमरे की बात करें, सॉरी पूरा घर की बात करें, तो वो आपका ऑर्बिट बताता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर आपका ध्यान देना, लास्ट का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सोडियम का अगर हम लोग बनाएंगे तो ये एक शेल हो गया, ये दो शेल हो गया, ये हो गया 3 शेल, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, पहले वाले जो शेल में दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फिल कर दो, दूसरे वाले शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फिल कर दो, ताकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी ना हो। तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन में, सॉरी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ठीक, ये 6, 2, 8। अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक। तो आपको सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, आपको किसी का बताना है ना, किसी के एलिमेंट का किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, तो आप कुछ भी मत करो, ये कॉपर का चेक करो, कॉपर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी में जा रहा है, डी में जा रहे हैं इसलिए इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा उसे हम लोग उस ब्लॉक का एलिमेंट बोल देंगे। तो एस ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एस ब्लॉक आता है, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक आता है, और यहाँ पे आपका पी ब्लॉक आता है, ठीक। और ऑर्बिटल को जगह नहीं मिला, मतलब इसी में एफ ब्लॉक आ रहा था, तो जगह ना होने की वजह से हम लोग एफ ब्लॉक को यहाँ पे लिखते हैं। जो मेंडेलिव साइंटिस्ट, आप देखो गलतियां तो सबसे होती है, हम लोग भी ह्यूमन है, तो मेंडेलिव से भी एक गलती हो गई, एफ ब्लॉक के लिए उन्होंने जगह ही नहीं दिया, तो जगह ही नहीं दिया, तो इसलिए मेंडेलिव आपके पास जो पीरियोडिक टेबल, हाँ इस चैप्टर को बताना भूल गई, इस चैप्टर में आप पीरियोडिक टेबल अपने पास रखेंगे, सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने पास रखेंगे, जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसमें चेक करना, अभी नहीं चेक करना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स अब चेक करो, पीरियोडिक टेबल निकालो, उसमें देखो एफ ब्लॉक कहाँ पे है, नीचे है ना, तो S को जगह मिला, P को जगह मिला, D को जगह मिला, F को जगह नहीं मिला, यही इनका लिमिटेशन था, जो मेंडेलीव थे उनका यही, उनकी यही गलती थी, पर क्या करें, दुनिया तो गलती पे ये पहले देखती, अच्छाई नहीं देखती, अच्छाई ये था उन्होंने बहुत अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जिससे हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक साथ अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट में, सुटेबल अरेंजमेंट में रखना पीरियोडिक टेबल में, वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है, जिसमें इसको रखा क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है, ताकि आपके एलिमेंट्स को बाद में स्टडी करना इजी हो जाए, ठीक। अब इन सब की प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी अलग है, जैसे आपको, आप घर में रहते हैं तो आप जहां पे रहते हैं वहां कॉलोनी बनी हुई है ना, जैसे आर्मी वाली कॉलोनी अलग है, वो सबकी वाली कॉलोनी अलग है, ऐसी होती है ना वैसे, ठीक। अब बात, अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो गई, तो आपको किसी भी एलिमेंट का अगर उसका चेक करना है कि किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, तो एक काम करो ना, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा वो आपका उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, आपको एटम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो आपको पता है, थोड़ा सा रुको, इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ठीक। ये आपका एटम है, एटम आपको पता है, एटम में ये आपका क्या होता है, ऑर्बिट होता है, और इसी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ये हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है,
ये होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसी में सारा होगा। मतलब ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंट है। जैसे मान लो आपका जो घर है वो पूरा क्या है, ऑर्बिट है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं वो आपका ऑर्बिटल है। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? आपसे कोई बोलता है आप कहाँ है, तो आप बोलते घर में, पर एक्चुअली में आप कमरे में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल्स में होता है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट करता है, मूवमेंट क्या, रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। इन सबको हम लोग को बात इससे नहीं करना, हम लोग को कुछ और समझना है। पता है क्या, न्यूक्लियस से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी तक हम लोग सोडियम का ले रहे थे, सोडियम का लेकर चलते हैं, 11 था इसका, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन था 3s1। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक गोला, ये तो पहले से ही रहेगा, एक गोला, दो गोला और ये तीन गोला, क्लियर है। अब यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर आ रहा था, यहां पर। ठीक, तो न्यूक्लियस से, मेरी बात को ध्यान सुनो, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की तक की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग आर से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, डिस्टेंस होगा वो आपका होता है एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई। अभी पहले समझो, फिर इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन सब मैं आपको लिखवा दूंगी। एटॉमिक रेडियाई, क्लियर है। एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटम्स का, एटम में जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सबसे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल ऑर्बिट है उसमें सबसे लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, यहां तक की जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई होता है। क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई। इस ये बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक काम करते हैं ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे उसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग सोडियम का बना रहे थे ना, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था। ठीक, एक काम करते हैं, सोडियम का ये वाला जो शेल है इसको हटा देते, क्योंकि सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। और इसका रीजन भी है क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में मेटल्स आते हैं, सोडियम आपका मेटल है, तो वो इजिली क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट करके Na प्लस बना लेगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर टेंशन आ गया ना, पॉजिटिव आ गया। चलो अब क्या हुआ, तो इसकी साइज थोड़ी कम नहीं हो गई? एक बात का ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑर्बिट भी गायब हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा ऐसा हम लोग एग्जांपल नहीं ले सकते, क्या घर में कोई एक कमरा छोड़ के चला जाता है, दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाता है, वो कमरा गायब हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। पर एटम के केस में होगा, वो ऑर्बिट, जो ऑर्बिट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, गायब। तो इसकी साइज देखो कुछ छोटी नहीं हो गई। अब ये कैसा हो गया, अब ये हो गया आयनिक। क्या हो गया, ये आयनिक। पहले ये न्यूट्रल था, पहले सोडियम, देखो पहले आपका जो सोडियम था ऐसे था, न उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न उसके पास ये नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या इसको हम लोग आयनिक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसकी साइज बड़ी या घटी? साइज कम हो गई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसके साथ उसका ऑर्बिट भी चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब इसकी साइज ऐसी हो गई। ठीक, तो अब हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस जो आउटर मोस्ट, अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये है। तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आयनिक रेडियाई है। समझ में आया, ये एटॉमिक रेडियाई बोले थे क्योंकि न्यूट्रल था, अब ये आयनिक बन चुका है, तो क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक का जो बीच का डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, आयनिक रेडियाई। क्लियर है कि नहीं चीज है, आयनिक रेडियाई। तो आपको पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो वहां तक पढ़ने के लिए हमको छोटे छोटे चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो एटॉमिक रेडियाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट आपका आपको क्या पढ़ना है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे, अब आप अपना नोट्स यहां निकाल लो, ठीक, और मैं हमारे साथ स्टेटमेंट लिखो, द डिस्टेंस बहुत इजी है, समझ में भी आएगा, बिटवीन कहां कहां, बीच में, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल
इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है? जब आपका न्यूक्लियस है और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। फॉर एग्जांपल में आप क्या करना, एक छोटा सा फिगर बना के टीचर को दिखा देना कि भाई ये क्या, देखिए हमें पता है, सब पता है। यहां पे काम करो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा दो और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से ऐसे ऐसे, ठीक। इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका क्या है? एटॉमिक रेडियाई। और क्या करने वाले थे? हाँ, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये आपका क्या है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, शेल, बस ये कर दो, ठीक। ये आपका हो गया। एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट हेडिंग डालो, ये मत डालना अभी, फर्स्ट हेडिंग डालो एटॉमिक रेडियाई, उसके बाद इन सबको नोट कर लो जल्दी से, फास्ट ये नोट करो, उसके बाद हम लोग आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? हो गया, चल। अब जस्ट इसी में इसके नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, आपका क्या है? आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। तो आपका जो आयनिक रेडियाई होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस तो रहेगा ही दोनों में, न्यूक्लियस एंड क्या, आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन, वहां पे एटम था, यहां आयन था, इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। आपके सामने मैं एकदम इजी डेफिनेशन ये लिख रही हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एटम जो आप बनाएंगे एग्जामिनर को लगना चाहिए कि वो आयन है। आयन कैसे लगेगा? इसके ब्रैकेट के आगे क्या वो लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक। अब एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को यहां भर दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये दिखा दो और ये दिखा दो कि ये क्या है? आयनिक रेडियाई। इतने बातें क्लियर है कि नहीं? नोट्स में नोट करते जाओ, पहला वाला नोट कर लिए पॉज करके, यहां से अब आपको नोट करना है, इसको नोट कर लो फिर इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मैम आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने के लिए मुझे आयनिक रेडियाई पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले स्टेटमेंट सुनो। जब भी आपका कोई एटम है उसके सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन से, लास्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, ये नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, यहां पर आ जाओ। ये जो है एटम है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां है, इसको उठाकर हमको बाहर निकालना है। इसको निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, एक बात बताओ, जब ये एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये क्या बन जाएगा? आयनिक बन जाएगा। तो मुझे आयनिक इसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, वही इसकी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? जब भी कोई एटम के सबसे लास्ट मोस्ट आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। कितना सिंपल है, ठीक, कोई भी दिक्कत? अब इसको आयनाइजेशन क्यों कहा गया, एटॉमाइजेशन क्यों नहीं कहा गया? इसका रीजन ये है कि आपको एटम से इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकालेंगे वो आपका पूरा पॉजिटिव में, पूरा आयन में बदल जाएगा, ठीक। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो अभी यहाँ पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो पॉजिटिव बनेगा, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा गया। क्लियर है? चलो स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? पहले हम लिखेंगे फिर आप। एनर्जी क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन,
वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल, किसका शेल भाई, एटम का कि आयन का? एटम का, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर बात, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, स्टेटमेंट बहुत इजी है। अब आपको मैं इसका डेफिनेशन लिखा दूं हार्ड वो लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप कुछ भी कर लो। आप कोई भी चीज अगर हार्ड में लिखवा दूं आप उसको रट के जाएंगे तो लिख लेंगे, जो लोग रट नहीं पाते उनके लिए दिक्कत है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मुझे चाहिए किसके लिए? रिमूविंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। फ्रॉम कहां से? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी मुझे चाहिए वो आपकी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब तक आपको लग रहा हो कि मैम इतना तो टफ नहीं है ये चैप्टर, दिक्कत पता है कहां पे आएगा? जब हम इसको अप्लाई करेंगे पीरियोडिक टेबल पर। ठीक, आ जाओ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूछे आप बता बनिए। लेकिन अब इसका हमको क्या चेक करना है? इसका हमको मेन टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्या? ट्रेंड, ट्रेंड हाँ, ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। एक सेकंड, यहां पे मुझे गड़बड़ लग रहा है, ट्रेंड ऑफ होगा, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक, इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बताइए किसका ट्रेंड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा न्यूट्रल रहेगा, ये चीजें आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल बनना चाहिए, इमेज होना चाहिए, और इमेज भी हो साथ में आपके पास पीरियोडिक टेबल भी होना चाहिए। ठीक, आज अपने पीरियोडिक टेबल में काम करते हैं, हम लोग बना ही लेते हैं अच्छे से एक पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब इसके बाद एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक तो इतना ही है ना भाई, ज्यादा तो है नहीं। पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको इस यूनिट में एस और पी ही चाहिए, डी को छोड़ दो। तो हमको मैं क्या करूंगी, बस एस ब्लॉक लिखूंगी, एस और पी लिखूंगी। ठीक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। चलो अब एक चीज और, हलीना कब्र से फरार। क्लियर है? अब उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम यहां आ जाएगा, लिथियम बेरेलियम। ठीक, फिर क्या? बोरॉन कहां गया भाई, हाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थोड़ा सा मुझे स्पेस कम चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक, चलो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये हो गया एस ब्लॉक कंप्लीट। अब यहां पे बैगन आलू गाजर इन थैला, इसको याद करना, हम तो ऐसे याद किए थे, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक, आप लोगों को जैसे याद करना हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये एंटीमनी है। ओझा सर से टाइम पूछो, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, फक्कल भरे। यहाँ पे जिनोन, जिनोन था, यहाँ पे क्या था भाई,
क्लोरीन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन ठीक। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ अब भी फिलहाल याद नहीं आ रहा, छोड़ो उसका उसका काम नहीं है। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, आपको दिक्कत क्या करना। अच्छा बीच का भी चलो लिख ही लेते हैं, बीच का भी चलो लिख ही लेते हैं, क्योंकि क्या क्या पता आ जाए। एक काम करते हैं ना, ये ट्रेंड को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पीरियोडिक जब टेबल बना रहे हैं तो अच्छे से ही बनाए ठीक। थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया, ये देखिए आपको भी अपने नोट्स में बनाना है। अब ये मत ये सोचना कि बस हम बना रहे हैं तो नहीं बनेगा। चलो इसको बाद में ठीक कर लेंगे ठीक। अब जहां जहां दिक्कत है वहां वहां इरेज कर देते हैं ठीक। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी ठीक। और यहाँ पे था मैंने यहाँ का नहीं पता। अब यहाँ पे आ गया है लिथियम से स्टार्ट करेंगे ना, डी ब्लॉक 3D और 4D सीरीज डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे था कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। ये आपका डी ब्लॉक है। अब इसके सारे एलिमेंट्स एक तरफ है। अब आपको ट्रेंड जो है आप इसको अच्छे से पीरियोडिक टेबल बना लेना, आपको जितना भी याद है। तो आपको ये बताना है ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। हाँ एक चीज और एक चीज और याद कर लो, क्या क्या है जो ये ऐसे मैं ब्लॉक बनाई हूं ये ठीक, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे आपका मतलब रो में है वो आपका क्या है ग्रुप है, और जो मैं ऐसे ऐसे चलूंगी वो आपका पीरियड होगा ठीक। जब मैं ऐसे ऐसे चल रही हूं तो आपका ग्रुप है ठीक है, क्लियर वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। काश ऐसे हम लोग के पास पेन पे भी हो रहता, हम लोग के पास पेन कॉपी से भी ऐसे जल्दी बना लेते हैं ठीक है। इसमें तो बहुत फास्ट बन गया, कॉपी पेन पे बनाने में टाइम लगेगा। हाँ आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, हम तो जल्दी जल्दी बना लेंगे क्योंकि मेरा काम भी है ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरफ अगर हम लोग ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं मतलब ऐसे चल रहे हैं ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे ग्रुप, और हम लोग अगर ऐसे जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे पीरियड। क्लियर है कि नहीं बात, क्लियर है। चलो अब हम लोग को क्या करना है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी चेक करना है ग्रुप में और ऐसे। तो एक बात बताऊं, जब भी हम लोग ग्रुप में अभी काम करते हैं ग्रुप में चलते हैं, तो ग्रुप में चलते हैं तो एक चीज है, जब भी हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे, इस बात का ध्यान देना, जब भी हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि उसका आयनिक रेडियाई बढ़ेगा कि नहीं, घटेगा कि नहीं। तो एक बात समझो, अभी काम करो आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, अब याद करो एटॉमिक रेडियाई में आपको क्या पढ़ाएंगे। एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, न्यूक्लियस से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो होती है वही आपका एटॉमिक रेडियाई होता है। ध्यान से देखो, जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इस तरीके से है ना। तो इसका मतलब इसमें एटॉमिक जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ध्यान दो, यहां पे जो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एक चीज और, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, यानी 1 2 3। ये शेल क्या है, शेल ये देखो ध्यान से, ये जो है ना, जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी Na का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये जो बता रहा है आगे का जो न्यूमेरिकल नंबर है
वो आपका क्या है, शेल है, नंबर ऑफ शेल। तो जब हम लोग हाइड्रोजन पे चले तो वन आ गया, उसके नीचे वो नीचे गए वो लिथियम पे थ्री आ गया, थ्री नंबर ऑफ शेल है, मतलब वन यस टू टू यस टू, मतलब दो शेल है। इसके नीचे गए तो तीन शेल हो गया, इसके नीचे गए चार शेल हो गया, तो नंबर ऑफ शेल आपका बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ जो शेल बढ़ता है तो क्या करते हैं, जब भी आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा ध्यान देना इस बात को, तो आपका क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चढ़ते हैं। हाइड्रोजन की साइज इतनी है, उसके उसके नीचे क्या है, लिथियम, उसके नीचे क्या, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, इसकी साइज और थोड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ा है ना, इसमें वन शेल, इसमें टू शेल, इसमें थ्री शेल, अब इसके नीचे जाएंगे तो उसमें चार शेल आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे मैम साइज कैसे बढ़ा, अच्छा एटॉमिक रेडियस देखो इतनी तक की, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना है, बढ़ नहीं रहा साइज, साइज बढ़ रही है ना। मतलब यहां से फॉर्मूला हम लोग नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अगर शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या, साइज या एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा कि नहीं, नंबर ऑफ अगर शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई, इसको क्या करो, एक फॉर्मूला के थ्रू इसको नोट कर लो। ठीक, जब भी आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो आपका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा है मतलब एटॉमिक रेडियस ही बढ़ा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं बात, चलो आ जाओ अपने स्टेटमेंट पे। यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ यानी अप टू डाउन जा रहे हैं, अप टू डाउन अगर जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, अब आपको ईजी है समझना, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई, अच्छा अब इससे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे, और एक चीज बताते हैं ध्यान से देखो, जब भी हम लोग, हमको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना उसको बाहर निकालो। ठीक, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा है फोर्स, कुछ लग रहा है, हाँ अट्रैक्शन फोर्स, क्या है ये अट्रैक्शन फोर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मान लो कि ये आपका कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं समझते हैं, आपका ये कोई चॉकलेट है, मान लो ये कोई चॉकलेट है, आप इसके यहां पर हैं, आप इसको चॉकलेट को खाने की कोशिश करेंगे, आप यहां पर हैं तो बोलेंगे यार बहुत ज्यादा दूर है, आप यहां पर चले गए तो कहेंगे छोड़ो यार ये चॉकलेट हमसे काफी दूर है हम नहीं खा पाएंगे। तो जब इसके पास रहेंगे तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, ये अगर लास्ट के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अगर पास रहेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर कम है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। यहां से हम लोग एक बात लिख सकते हैं क्या, कि अट्रैक्शन फोर्स वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, यहां पे देखो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के पास है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है उसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन है, पास ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो होगा क्या, कम होगा तो होगा क्या, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है मुझे बाहर का इलेक्ट्रॉन खींचना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर रॉड है और आप एक काम करिए, एक रॉड को आप पकड़ के बैठे हैं तो हम आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खींच ही नहीं पाएंगे। ठीक, आप एक काम करते हैं ना, आप रॉड को नहीं पकड़े रहेंगे तो हम आराम से आपको खींच लेंगे, सेम टू सेम वो रॉड आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने में, कोशिश करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर पे भी आपको याद रहा होगा, जब आपकी मम्मी पिटाई करती थी तो आप ना पलंग के नीचे या कहीं पर भी छुप जाते थे तो आपको मम्मी आपके हाथों को पकड़ के खींचती थी, आप किसी और चीज को पकड़े रहते और आपको मम्मी खींचते रहते, चलो चलो बाहर निकलो पहले पिटेंगे, होता था ना बचपन में, सेम टू सेम यहाँ पे होगा। तो जब न्यूक्लियस आपकी समझ लो मम्मी है, वो आपको पकड़ के रखी है, ठीक है, तो आपसे और आपका दोस्त है बाहर, आपको बोला चलो भाई घूमने चलो, तो अगर मम्मी के आप पास ही बैठे हैं तब तो थोड़ा आपको डर लगेगा यार, मतलब हमारे घर पे अभी मम्मी है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा तभी जाएंगे। मान लो मम्मी घर से बाहर गई कुछ सामान लेने, तब तो आप जा सकते, कहेंगे चलो घर पे मम्मी नहीं है आराम से घूमो, ऐसा होगा ना। तो न्यूक्लियस क्या है, ऐसा ही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा,
ये बात तो क्लियर है कि नहीं? अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा रहेगा तो क्या हम लोग उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है नहीं निकाल पाएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ही हम लोग को काम करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो हमें चाहिए, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को कम करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को इजिली बाहर निकाल सकते हैं। इजी है ना? तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक रेडियस क्या, अब मेरी बात को ध्यान से यस क्या सुनो, अगर मान लो एक स्टेटमेंट से ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई दोनों एक ही चीज है। अगर एटॉमिक रेडियस अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, अपने नोट्स में नोट जरूर करना, जब मैं बोलूंगी तब, अभी नहीं नोट करना, अभी पहले समझो, पूरा अपना फोकस करो समझने पर, ठीक। अब ये हम कैसे लिखें, एटॉमिक रेडियस जब बढ़ रहा है तो आपका सॉरी एटॉमिक कांगे हाँ एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो आपका अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन को लोग इजिली बाहर निकाल सकते हैं। इसमें चेक करूं, साइज बहुत ज्यादा छोटी है, पास पास न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इनके इसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम कोई भी इतना काम करने की कोशिश करेगा, कोई भी हार्ड वर्किंग करने की चाहता नहीं, वो सब लोग सोचता है कि कितने कम मेहनत में मुझे सक्सेसफुल होना है, ऐसा सब लोग चाहते हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। तो इस तरह एटम भी है, वो इलेक्ट्रॉन अपना खर्च क्यों करेंगे, तो वो सोचते हैं ना एक काम करते ना, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इजी है कि नहीं? तो जब भी आपका अप से हम लोग डाउन जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी का समझो, एनर्जी उसको कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा? इसमें मान के चलो 50 जूल इतना ही एनर्जी लगेगा, फट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। इसमें कम से कम 150 जूल लगेगा, तब जाके एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, ये कंफर्म है, पर इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। आपके घर में मम्मी है, आपको बाहर घूमने के लिए जाना है तो आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, मम्मी को मनाना पड़ेगा, थोड़ा भरोसा दिलाना पड़ेगा आप कितने टाइम तक आएंगे, क्या कर रहे हैं बाहर। तो ये सारी चीजें आपको हार्ड वर्किंग करके तब आप बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 150 का जूल लगेगा, तब जाके इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यहाँ पे 50 जूल में ही काम चल जा रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे कम, कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, इसका मतलब ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब आते हैं अपने ट्रेंड पे। जब भी हम लोग अप से डाउन जाएंगे, एटॉमिक रेडियस साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी कम ही लगेगा एनर्जी ना, तो ये कम हो गया, साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, इस पॉइंट में? यही सारी चीजें आपको लिखनी है, इस बात का ध्यान देना। चल अब हम लोग पीरियड में चलते हैं। तो जब हम लोग पीरियड में या आवर्त में चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, कहां चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो हो रहा है क्या, यहाँ पे क्या होगा बच्चों ना, अब एक फैक्टर आएगा। यहाँ पे कहा गया है साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो जाती है, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज आपकी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज कम हो रही है। अब इसका क्या रीजन है, आइए इसको समझते हैं, इसका रीजन क्या है। ये तो पेज खत्म हो गया। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना तो साइज कम हो रहा है, पता है क्यों? चलो मान लो कोई एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका ले, इसका लेते हैं, बेरिलियम का वो लेते हैं, फ्लोरीन का लेते हैं, ठीक। आपका एक बेरिलियम का है, एक फ्लोरीन का है, ये आपका क्या है, बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, इसका होता है 1s2 2s2, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां से डॉट 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 गए फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन का चेक कर लो कितना होता है 9, 1s2
2s2 2p5 चलो अब इसका बनाएंगे, इसके पास कितने ऑर्बिटल है, दो, इसके पास कितने ऑर्बिटल है, दो, दोनों के साइज एक जैसे बनानी है ना, अच्छा रुको, साइज हम लोग एक जैसा बनाएंगे, आप भी अपने नोट्स में साइज का ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत बना दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लें, क्योंकि आपको हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक। फ्लोरीन की साइज ये क्या, देखो एक जैसा बनाओ, अब अभी एक जैसा बनाओ, उसके उसके बाद देखेंगे, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसके पास भी दो शेल, इसके पास भी दो शेल, ठीक, एक सेल और बनाना है भाई, ये बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, दो शेल। दिक्कत क्या हुई, इसकी साइज थोड़ी कम है, पर ध्यान दो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, ये नहीं कि वो 50 है तो ये पूरा 100 या ये 100 है तो 50, इतना नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा कम होता है। ये कम होने का रीजन क्या है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, दो इसमें क्योंकि एक 1s में है, एक 2s में है, इसमें चेक करो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 7 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक ऐसे, अभी के लिए अभी इस पे मत जाओ कि कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, चलो तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इतने, तो ये हो क्या रहा है, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, अब ये जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव का मतलब उसमें क्या, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है, पता है क्यों, एक तो पहली बात इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, और वो इक्वल होता है प्रोटॉन के, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, प्रोटॉन भी उतना ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, तो दिक्कत क्या हुआ, प्रोटॉन भी बढ़ा है तो प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से शिफ्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तेजी से इतने जोर से अपनी तरफ खींचेगा कि जिसकी वजह से इसकी साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इसकी साइज कम हो जाएगी, ठीक। अगर साइज कम हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ उसके ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, न्यूक्लियस चार्ज का साइज कम हो गई, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज अगर कम हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लो, साइज कम मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, एटम के मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, साइज छोटी हो रही है मतलब उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब एक काम करो, वन बाई वन यहां से पहले नोट करो, पहले कुछ चीजें नोट करो वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, यहां से नोट करो वन बाई वन, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया नोट, चलो इसको भी नोट कर लो, तो ये दोनों जितना भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हूँ सब फॉर्मूला को नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक मुझे इसका एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट करेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग का ये टॉपिक में इसका फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला भी हो गया नोट। तो अभी तक आप क्या क्या समझे, सबसे पहले एटम्स का, अभी मुझे लग रहा है कि इसका अभी एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ठीक, अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए काफी है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है। अभी के लिए दो तीन पॉइंट्स को है, पहले मेरी बात को समझो, आपके पास कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई उसे कहते हैं। उसके बाद आयनिक रेडियाई क्या है, जब एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो वो एटम आपका आयनिक बन गया। अब आयनिक में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी,
उसकी क्या है, आयनिक रेडियाई है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब भी आपका कोई एटम है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है वही आपकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में कैसे पढ़ेंगे, तो जब भी हम लोग अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस की साइज बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ जो शेल है, जो वो किसी में 1 ईयर्स है तो इसका 2 ईयर्स होगा, इसका 3 ईयर्स होगा, ऐसा हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो बीच की दूरी डिस्टेंस बढ़ गया, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव के बीच में होता है, कम हो गया तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा, फट से बाहर निकल जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, दोनों लोग टाइटली बॉन्डेड है, पता है इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, तब जाके बाहर निकलेगा। मतलब ये कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। वो कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इतनी बातों को इंट्रोडक्शन में अपने पास, मतलब अपने माइंड में रखे रहना, ये सारा पार्ट इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद दूसरा फैक्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद एंथैल्पी वगैरह, ये सब है। ठीक, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस जो लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आया तो हम लोग का ये जो नवोद्भव बैच है 3.0 ये स्टार्ट हो चुका है। ये आपको इतने सारे फीचर्स पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, और आपका जो आप इसी कोर्स को परचेस कर सकते हैं उसका प्राइस ये है। उस डाउनलोड कर लीजिए DNS एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से, उसके बाद कोई भी मतलब क्वेरी हो क्वेश्चन से या कैसे लेक्चर्स चलेंगे या फीस से रिलेटेड कुछ भी हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये मतलब जो लेक्चर पसंद आएगा तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, पूरा जो लेक्चर है आपका पीरियोडिक का पूरा आपका यूट्यूब पे फ्री है, तो आप उसका पढ़कर उसका साथ में अच्छे से नोट्स बना लेना, क्वेश्चन वगैरह भी होता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी, तो उस पर आ जाएगा। ठीक, तो यहां तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।